हे गाइज, दिस इज सैमसंग गैलेक्सी A14 5G। तो फाइनली गाइज, आज की इस वीडियो में हम इसे स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि 17,000 रुपये में सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से एक बजट स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जिसका लुक तो भाई मुझे रियली काफी प्रीमियम सा फील देता है। इतने कम बजट स्मार्टफोन होने के बाद भी इसमें काफी तगड़े तगड़े फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं, जैसे कि इसमें 90Hz का IPS LCD डिस्प्ले पैनल मिल जाता है, MediaTek Dimensity 707 नैनोमीटर का एक मस्त गेमिंग प्रोसेसर चिपसेट मिल जाता है, 8GB तक रैम मिल जाता है एंड 50MP तक कैमरा सेंसर मिल जाता है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, बस अपने भाई का चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही रिव्यू वीडियो लाता रहूं। तो गाइस फटाफट से इसके डिब्बे को खोल लेते हैं। तो इसके बॉक्स को खोलने के बाद भाई इसमें ऊपर ही हमें हमारा प्यारा सा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। एंड भाई इसके अंदर क्या छिपा रखा है गाइस? तो ये है गाइस एक सिम इजेक्टर टूल्स, कुछ मैनुअल गाइड एंड एक पतली सी Type-C to Type-C डाटा केबल। ओके, तो गाइज इसको रखते हैं साइड में एंड हम बात करते हैं अपने सस्ते प्रीमियम स्मार्टफोन की। तो सबसे पहले तो गाइज आपको इससे बिल्ड क्वालिटी दिखाता हूँ। इसका जो बैक साइड है वो प्लास्टिक का है एंड जो साइड फ्रेम है इसका वो भी प्लास्टिक का दिया गया है। काफी लाइट वेट में ये स्मार्टफोन 202 ग्राम के वजन के साथ देखने को मिलता है एंड बाकी का जो इसका डिजाइन है वो बिल्कुल आपको गैलेक्सी S23 Plus के जैसा सेम देखने को मिल जाता है, जो कि एक फ्लेक्सिब स्मार्टफोन है जिसका प्राइस लगभग 80,000 के आसपास में है। तो ये चीज इसमें काफी अच्छा देखने को मिला है कि इसका जो बिल्ड डिजाइन है वो बिल्कुल एक प्रीमियम स्मार्टफोन के जैसा ही देखने को मिला है। हाँ, ये अलग बात है कि क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन का सेम नहीं है, लेकिन इसका जो बैक डिजाइन है वो ऑफकोर्स एक प्रीमियम डिजाइन है। फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड में एक 13MP कैमरा सेंसर के साथ ड्रॉप नोट डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाता है, जिसका साइज 6.6 इंच तक दिया गया है। इसमें IPS LCD फुल HD प्लस का डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका रेजुलेशन देखें तो 1080x2400 के इसमें रेजुलेशन मिल जाता है एंड 400 तक PPI डेंसिटी मिल जाता है। बाकी इसका डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट साइड में ग्लास का यूज किया गया है। तो ओवरऑल इसके डिस्प्ले पैनल का जो क्वालिटी है, भले ही इसमें AMOLED स्क्रीन नहीं मिलता है, बट इसका जो क्वालिटी वगैरह है वो काफी ज्यादा मस्त है। इसमें आपको इस चीज का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसमें AMOLED स्क्रीन नहीं दिया गया है। कलर तो वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक एंड नेचुरल कलर्स आप इसमें बिना AMOLED स्क्रीन के ही देख पाएंगे। इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड 13 One UI कोर 5 देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथली वर्क करता है एंड इसमें का जो प्रोसेसर चिपसेट है वो है MediaTek Dimensity 707 नैनोमीटर का, जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.4 GHz तक देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसके डिस्प्ले पैनल के साथ में जो इसका प्रोसेसर परफॉर्मेंस है वो भी भाई बहुत ही कमाल का है। 5G का प्रोसेसर चिपसेट है तो ऑफकोर्स जो इसका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो स्मूथनेस है वो गैलेक्सी S23 Ultra के बराबर है, मतलब जिस हिसाब से इसका प्राइस है 17,000 रुपये, उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस बेस्ट है, एक नंबर का है। तो गाइस बात करते हैं इसके कैमरे फीचर की, तो इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50MP का है वाइड एंगल कैमरा, सेकंड कैमरा है 2MP का माइक्रो कैमरा एंड थर्ड जो तीसरा कैमरा दिया गया है वो है 2MP का डेप्थ कैमरा। तो इसके कैमरे के फोटो सैंपल आप देख सकते हैं, फोटोज में डिटेल्स कलर्स वगैरह की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलता है। डायनेमिक रेंज भी काफी जबरदस्त है। नाइट मोड पे भी देखें तो नाइट मोड में भी कैमरा परफॉर्मेंस काफी ज्यादा औसम है। नाइट मोड में भी डिटेल्स, शार्पनेस, कलर्स वगैरह ये स्मार्टफोन काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। इसके बैटरी की बात करें तो गाइस इसमें 5000mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें 15W तक चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अदर फीचर की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड देखने को मिलता है। नीचे की साइड में देखें तो एक 3.5mm का ईयरफोन जैक, एक माइक्रोफोन, एक Type-C चार्जिंग जैक एंड एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। इसमें डुअल स्पीकर नहीं दिया गया है, इसमें स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इसके प्राइस के हिसाब से ये स्मार्टफोन का फीचर्स एंड ये स्मार्टफोन कैसा रहा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही न्यू स्मार्टफोन के रिव्यू वीडियो देखने के लिए अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।